सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे IGDTUW, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की। तो IGDTUW हमारे न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1998 में हुई। बात कर लें NRF रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 NRF इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो IGDTUW ने NRF के पास सबमिट किया था। तो इस NRF डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 335 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 311 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी इस NRF डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग आपका कुछ 92% के आसपास हो जा रहा होता है। किस प्रकार के ब्रांचेस हैं, तो मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल जा रहा होगा। तो देखिए, अब प्लेसमेंट्स की अगर बताऊं तो बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट्स तो सभी ब्रांचेस में, लेकिन सबसे बेस्ट वही आपका कंप्यूटर साइंस में होगा, IT में होगा, काफी हद तक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, और मतलब ठीक ठाक आपको मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में भी देखने को मिल जाएगा। बढ़िया प्लेसमेंट सभी ब्रांचेस में है, लेकिन एक ऑर्डर बता दिया मैंने कि किस प्रकार से आपको क्या सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। अब चलिए थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं। लाइक सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का जो मीडियम सैलरी बताया गया है वो है 20 LPA, और इतना ही कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स ने एवरेज पैकेज भी बता रखा है 20 LPA का ही। तो देखिए 20 LPA के आसपास, इससे थोड़ा सा और ज्यादा आप मानकर चलो तो कंप्यूटर साइंस में लग जा रहा होता है एवरेज पैकेज। सेम आपका कुछ IT में भी होगा, इसी प्रकार का आपका थोड़ा सा कम ले लीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी होगा, और थोड़ा बहुत अगर आप कम कर ले मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में भी ठीक ठाक देखने में मिल जाता है। कोर कंपनीज भी थोड़ी बहुत विजिट करती है, लेकिन मोस्टली आपके IT सेक्टर के ही कंपनीज हैं। देखिए ऑफिशियली तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर लाइक कुछ पुराना डेटा है IGDTUW का, इन्होंने लिख रखा लाइक 59.45 LPA का गूगल की तरफ से हाईएस्ट पैकेज गया, जो कि जितना मुझे लग रहा है, इन्होंने ईयर तो मेंशन नहीं किया, बट 2021-22 जैसा इन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ लिख रखा है। बट स्टूडेंट्स ने बताया है कि अभी के डेट में जो हाईएस्ट पैकेज गया है आपका, वो आपका कुछ 1.6 करोड़ का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज है, और वही 82 LPA का डोमेस्टिक पैकेज मिला है। तो देखिए प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया है, और लगभग सभी को 100% लगभग आप प्लेसमेंट मानकर चलिए कंप्यूटर साइंस में लग जा रहा होता है। तो प्लेसमेंट्स के मामले में काफी बढ़िया कॉलेज है, इंटर्नशिप भी लगभग लगभग काफी सारे स्टूडेंट्स को मिल जा रही होती है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेंस 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दिल्ली रीजन के लिए क्लोज हुआ था 59,506 रैंक पर, और वहीं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक फोर ईयर कोर्स क्लोज हुआ था 26,724 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर बात कर ले जितने भी हमारे फी स्ट्रक्चर हैं, देखिए इस स्क्रीनशॉट में जो ऑफिशियल हमें हॉस्टल में फी मिला, ये हो सकता है थोड़ा पुराना हो या फिर कुछ चीजें इसमें मिसिंग आउट हो, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया ऑन एन एवरेज 1,30,000 के आसपास आपका पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस फी पड़ जाएगा, और वहीं 4,10,000-20,000 के आसपास आपका 4 साल का इंस्टीट्यूट प्लस ट्यूशन वाले बाकी सारे फी पड़ जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा IGDTUW का कैंपस डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो हमारा कश्मीरी गेट वाला कैंपस है, इनके 16 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है। अब IGDTUW का मुझे एक ऑफिशियल डेटा मिला जिसमें 10 एकड़ का कैंपस एरिया बता रखा गया, तो जितना मुझे लग रहा है डॉक्टर B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कश्मीरी गेट वाला कैंपस है, ये 16 एकड़ का है, जिसके अंदर 10 एकड़ का कैंपस एरिया आपको IGDTUW का भी देखने को मिल जा रहा होगा। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि IGDTUW तो आपके फुल वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, बट वहीं अंबेडकर यूनिवर्सिटी हमारा कोएड है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ रहे होते हैं। तो एक तरीके से कहिए कि फुल वुमेन्स यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा होगा IGDTUW, लेकिन जस्ट सामने सामने कैंपस है दोनों का, तो आपको लगभग एक बॉयज का भी क्राउड देखने को मिल जा रहा होगा। बट थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह हो जाती है कि IGDTUW के कैंपस के अंदर आपको कोई भी बॉयज देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन वहीं अगर बात कर ले ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इक्वल जेंडर कम्युनिकेशन जरूरी होता है। सिर्फ जेंडर ही नहीं है, आपके बहुत सारी चीजें होती है लाइक अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है
कि इक्वल जेंडर के साथ कम्युनिकेशन जरूरी होता है, बट वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम पेरेंट्स के नजर से सोचकर देखें तो एक सेफ एनवायरनमेंट हमें मिल जा रहा होता है गर्ल्स के लिए। और एशिया का हमारा पहला ओनली वुमेन्स यूनिवर्सिटी बताया जा रहा होता है IGDTUW, जिसका कैंपस एरिया तो बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा एक्सपोजर, बहुत ज्यादा इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन वहीं प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे। अब अगर बात करें किस प्रकार की फैसिलिटीज हैं, तो जैसे आप इनके कैंपस के अंदर प्रवेश करते हो, सबसे पहले आपको एक ऑडिटोरियम देखने को मिल जाएगा, और ऑडिटोरियम के एक साइड आपका कृष्णा हॉस्टल और एक साइड कावेरी हॉस्टल है, यानी दो हॉस्टल है जिसमें आपके 3-seater 4-seater रूम्स अवेलेबल। 4-seater वाले रूम्स में आपकी एसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन वहीं 3-seater रूम्स में आपकी एसी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेस का खाना बढ़िया बताया गया है, मतलब एवरेज जो एक मेस का खाना बोलते हैं उससे बढ़िया है, लेकिन घर का खाना होटल से कंपेयर नहीं कर सकते। और इसी के साथ अगर हम बात करें लाइक क्लीनलीनेस मेंटेनेंस में थोड़ी सी दिक्कत बताई गई हॉस्टल्स में, क्लासरूम की बात कर ले तो वहां थोड़ी सी मेंटेनेंस की जरूरत है ऐसा स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, और थोड़ा सा जो स्कूल क्लासरूम होता है उससे हल्का सा बेटर एनवायरमेंट हमें देखने को मिल रहा होगा, लेकिन प्रॉपर जो हम कॉलेज जिस प्रकार का मूवीज में देखते हैं उस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही होंगी। प्रॉपर आइडिया के लिए आप एक कैंपस टूर वीडियो भी देख सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि और किस प्रकार की चीजें अवेलेबल है, तो ऑडिटोरियम मैंने बता दिया, कुछ आपको एक बास्केटबॉल ग्राउंड और एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए कुछ एक ग्राउंड्स देखने को मिल जा रहे होंगे, तो बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के मामले में बढ़ चढ़कर हमारा कॉलेज सामने नहीं आ रहा था क्योंकि उतना बड़ा कैंपस एरिया ही नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होगा। बट वही बात है कि छोटा सा कैंपस एरिया है, तो जब फेस्ट एंड इवेंट्स का समय होता है तब उस समय आपके बाहर से भी लोग आ रहे होते हैं, उस समय आपका गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इंटरेक्शन हो जा रहा होगा, तो उस समय क्राउड बढ़िया हो जा रहा होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा आपको क्राउडेड एनवायरनमेंट दिखेगा, स्पेस की कमी दिख रही होगी फेस्ट एंड इवेंट के समय में। अब बात कर ले किस प्रकार के फेस्ट हो रहे होते हैं, तो आपका एक टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फेस्ट और छोटे बहुत आपके स्पोर्ट्स एंड इवेंट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर वही बात कर ले जैक डेली वाले और जो हमारे कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, चाहे आपका DTU हो गया, NSUT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, इनके बराबर का आपको कैंपस फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर देखने को नहीं मिल रहा होगा। इवन आपके इवेंट्स एंड फेस्ट भी इनके बराबर के नहीं हो रहे होते, काफी कम होता है। बस बात यह है कि आपको एक डिसेंट सा, हाँ बस कहने के लिए कॉलेज मिल जाता है जिसमें कुछ आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है, कुछ एक ऑडिटोरियम भी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब टूटे फूटे बिल्डिंग्स इस प्रकार की चीजें नहीं, वेल मेंटेन्ड है। लेकिन जैसा हम देखते हैं DTU और NSUT उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, आसपास भी नहीं है फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर के मामले में, चाहे आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब हो गया या फिर इवेंट एंड फेस्ट हो गए। बट अगर हम कैंपस लेवल, इनके खुद के लेवल पर अगर आकर बात करें, तो IGDTUW में भी आपका जो स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब है, ठीक ठाक कुछ ना कुछ हो जा रहा होता है, आपका कॉलेज लाइफ मतलब डिसेंट कट जाएगा। बट आप देखते हो कि कॉलेज में जाते बहुत ज्यादा फन करते हैं, चिल करते हैं, थोड़ा बहुत आपका हेक्टिक प्रेशर के बाद कुछ एक बढ़िया बहुत ज्यादा फन वाला इवेंट हो जाता है, उस प्रकार की चीजें नहीं हो रही होंगी, लेकिन एक बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिल जा रहा होगा और एक सेफ एनवायरनमेंट फॉर गर्ल्स। अगर सेफ्टी के हिसाब से भी थोड़ी सी बात कर ले, तो कुछ गर्ल्स ने बताया कि शाम 6-7 बजे के बाद थोड़ा सा सेफ्टी इशू हो जा रहा था गर्ल्स के लिए, लेकिन वहीं अगर पूरे टाइम की बात कर ले तो मंकीज से गर्ल्स काफी परेशान नजर आए हैं। गर्ल्स बोल लीजिए या फिर आपके पास में अंबेडकर यूनिवर्सिटी है तो वहां गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही है, तो मंकीज यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं जो कि कभी कभार अटैक भी कर दे रहे होते हैं, ऐसा हमें इनके स्टूडेंट्स ने बताया है। और इसी के साथ अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर ले, तो नियरेस्ट मेट्रो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगा, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, 10 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 14 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो 25.5 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिल जा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट IGDTUW इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।